8 अप्रैल को सुबह मैं अपनी बालकनी में था। मेरे घर के बाहर एक फ्लाईओवर है और मैंने वहाँ पर कुछ लोगों को एक गाड़ी के पीछे भागते हुए देखा। वो गाड़ी खाना बांटने के लिए आई थी और वो उसके पीछे भाग रहे थे, और वो एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी। और जिसके बाद मतलब मैंने ये ठाना कि मैं आज खाना तब खाऊंगा जब मैं कुछ लोगों को, जितना भी मैं उस दिन कर सकता हूँ, उन लोगों तक मैं खाना लेकर के पहुँचूँगा जब लोगों को मैं खाना खिलाऊँगा। और 8 अप्रैल को ही हम लोगों ने कुछ 100 परिवारों के लिए, अपने आसपास के दोस्तों से मैंने अपने फंड्स इकट्ठे करके खाने की व्यवस्था की। शायद वो मैंने किसी और के लिए नहीं किया था, मैंने खुद अपने लिए किया था। बहुत सेटिस्फाइंग था। और उसके बाद मैं वापस जब घर आया तो मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता, क्योंकि जब लोगों के घर घर जा कर के हम लोगों ने देना शुरू किया तो ये समझ में आया कि लोगों को ज़रूरत है। और स्टेट सरकारें अपना 100% दे रही हैं, लेकिन हमें इस समय उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये इतने बड़ी क्राइसिस सिर्फ सरकारें अकेले इससे नहीं लड़ सकती। हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल, सिविल सोसाइटी, जो भी सहयोग हम कर सकते हैं हमें करना होगा। और वहाँ से शुरुआत में हमने 500 लोगों का लक्ष्य रखा था और तब 1000 बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन लोगों के सहयोग से हमारे जो भी लोग हमारे साथ आते चले गए, सारे कंट्रीब्यूटर्स, जो लोग जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, कंट्रीब्यूट कराया, और सबसे इम्पोर्टेंटली 2 लड़के जो अभी तक हमारे लिए काम करते थे, और जब उन्होंने ये कहा कि भैया आप हमारी सैलरी 8000 रुपये, हमारी सैलरी का आप आधा हिस्सा काट करके खाने बांटने में लगा दीजिए, दैट वॉज़ अ वेरी इमोशनल थिंग। एंड दीज 2 गाइज, मोनू एंड गोविंद, कोई शब्द नहीं है उनके लिए। और 2500 परिवारों तक अभी हम लोग पहुँचे हैं, और सिर्फ इन दोनों की वजह से, ये दोनों दिन भर जो भी राशन होता है उसको पैक करना, उसके बाद बांटना, और अथक मेहनत इन लोगों ने की है। लेकिन इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने अपना एक घर घर जब जाना शुरू किया तो आशा वर्कर्स और वहाँ के लोकल लोगों के साथ एक इस तरह का नेटवर्क बनाया जहाँ से हमें पता चलने लगा कि इस जगह पर इतनी आवश्यकता है। और तब मुझे समझ में आया कि लोगों को ज़रूरत है, प्रेग्नेंट महिलाएं, एल्डरली लोग, बूढ़े लोग, विधवाएं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, सभी ऐसे लोग जहाँ तक हम पहुँचना चाहते थे। और धीरे धीरे अब हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने की। अब समय आ गया है कि एक जनता के बीच में ले जाया जाए और एक जन आंदोलन बनाया जाए, क्योंकि हमारी एक सीमा है। हम अपने दोस्तों के साथ मिल करके और आसपास के लोगों के साथ मिल करके इसे अभी तक कर रहे थे, और अभी मैं रुकना नहीं चाहता। अगले 2 हफ्ते तक, जब तक लोगों को ज़रूरत है, मैंने लोगों के घर में 200 ग्राम आटा देखा है, और वो 200 ग्राम आटा भी कई बार वो किसी से उधार लेके आते हैं। सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति, सबसे बड़ी देश सेवा इस समय यही है कि हम किसी को भी भूखा ना छोड़ें, किसी को भी भूखा ना सोने दें। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगा। आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं, आप पैसे से, या अगर आप राशन देना चाहते हैं तो हम आपके यहाँ से आकर के राशन भी उठा लेंगे। किसी भी तरह से आप सहयोग करना चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा उसके लिए। और इस अंत्योदय ड्राइव में हम बस उस आखिरी व्यक्ति तक पहुँचना चाहते हैं जो किन्हीं कारणों की वजह से शायद कभी भूखा सोने को मजबूर है, जिसकी माँ शायद कभी उसे किसी बच्चे को गीले चावल खिलाने को मजबूर है। उस आखिरी व्यक्ति के लिए हम आपका सहयोग चाहते हैं।